क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कॉज के साथ इंसान जुड़ता है तो उसके एक भावनात्मक जुड़ाव जुड़ जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं और हमारी पूरी इंडस्ट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ टोची रैना जी एंड हिज बैंड बैंड ऑफ बंदगी, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है आज और एक कॉज के लिए वो सब एज इन ह्यूमन, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और सब साथ में खड़े हैं और आज एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ डोनेटिंग एन अमाउंट टू द विक्टिम्स ऑफ नेपाल. आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड कॉज. और टोची रैना जी को देखते हुए आई थिंक हम सब इंडस्ट्री वालों आज हम उनके साथ हैं, बट आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर अ कॉज लाइक दिस. बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम. ऐसा गाना गुनगुना देता हूँ. हमने एक कॉज के लिए गाना बनाया था जिसका मैंने भी लाइन गाई थी. टोची रैना जी ने मुझे इनिशिएटिव के लिए इनवाइट किया था. मौला मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला. ये रू कमदी जो एल्बम है जो आज पेश हो रही होगी, ये उसका हुक लाइन है. तो एंड वी वेरी हैप्पी ऑल ऑफ अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लवली इनिशिएटिव. थैंक यू.